मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से पुनः अपील करना चाहता हूँ रीट के अभ्यर्थियों से कि हम लोग आएंगे आपको, जो हमने 26 रिपब्लिक डे, 30 तारीख का शहीदी दिवस, उसके बाद में आपके स्थानीय विधायक उनके घेरा, और 30 तारीख को तो आपको बिड्डी कल्ला और अशोक गहलोत का पुतला दहन करना है, लोकतंत्र की हत्या करने वालों का करना है, वो दिन शहीदी दिवस है, ये लोग नाटक करेंगे, ढोंग पूरा करेंगे, यहाँ रचेंगे कि RSS फलाना, बिल्कुल RSS ने किया है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई आया है तो वो RSS BJP है, लेकिन उनसे खतरनाक है वो सांपनाथ है, तो ये नागनाथ बैठे अपनी सरकार बचाने में, अपने लोगों को, अपने बेटों को किस प्रकार से कब्जा ज़मीनों पे करें, किस प्रकार से ये पैसा कमाए, इस मामले में लगे हैं, और राजनीति में अपने बेटे को सेट करने में अशोक गहलोत लगाए, उनकी फाइल सल्ट चुकी है, उनको पता है कि 2023 में रिपीट नहीं होगी सरकार, रिपीट भी हो गई तो उनको कोई मुख्यमंत्री बनाने वाला नहीं है, वो मुख्यमंत्रियों की लड़ाई लड़ रही है, वो चाहता है कि मेरा बेटा राजनीति में सफल हो, उसको अगर वो राजनीति में MP का चुनाव नहीं जीता तो उसको RCA का अध्यक्ष बना दिया, और आज वो करोड़ों के अंदर IPL पैसे वालों का जो लोग होता है IPL खेल रहे हैं, वो IPL देख रहे हैं दुबई के अंदर बैठ बैठ के, उनसे पूछे कि उनका और एक अमित शाह का बेटा जैसा जिसकी 17,000 गुना संपत्ति बढ़ी है, हम कहते हैं राजस्थान का युवा, राजस्थान का ये बात कर रहा है कि हमें वो फार्मूला बता दीजिएगा कि भाई हमारे, हम बेरोजगार हैं, एक पैसा नहीं है, हमारी फूटी खोटी हमारे पास में नहीं है, हमारे घर वालों ने हमें कितनी गंभीर परिस्थितियों के अंदर काम करके आज किस तरीके से हमें पढ़ाया लिखाया, और हम नौकरी, वो कहते हैं जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं वो तो नौटंकी करते साहब, उनको नौकरी नीचे, वो तो मांगने वाले वो वैसे लोग हैं, वो वैसे लोग नहीं बैठे हैं जिनको रोजगार चाहिए, वो लोग बैठे हैं, और हम SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस बात की पूरी वकालत करता है, इस बात के लिए कि हमारा विद्यार्थियों का संगठन है, और हम विद्यार्थी की एक एक बात के लिए हम स्कूल के सामने नारे लगाते हैं, हम बात करते हैं हमारे स्कूल के अंदर अध्यापकों के सारे पद भरो, और आज जब राजस्थान के अंदर 70,000 साला दर्पण, मैं कह रहा हूँ अगर आप कितने लोग इनके रिटायर्ड होंगे मार्च अप्रैल तक, अगर पूरा डाटा दे तो 1,00,000 से ज़्यादा इनके खाली पड़े पद।